ओके डियर स्टूडेंट्स तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट क्लाइमेट वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाइमेट कभी बहुत गर्मी होती है विंटर्स में बहुत ठंड हो जाती है बारिश का मौसम होता है फिर आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन में प्लांट्स जो होते हैं उन पे भी अलग इफेक्ट पड़ता है जैसे आप देख सकते हो ये ट्री जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सीजन में इसमें क्या डिफरेंट इफेक्ट्स आए हैं राइट तो क्लाइमेट इज समथिंग विच इफेक्ट आवर लाइफ वेरी वेरी मच तो इंडिया में क्लाइमेट कैसे वेरी करता है क्यों वेरी करता है यही सब चीज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत ही मजा आएगा स्टूडेंट्स तो लेट्स स्टार्ट लेकिन स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है जनरली लोग को लगता है कि ये सेम ही है ऐसा नहीं है तो इसका डिफरेंस समझाने के लिए एक छोटा सा एक्जाम्पल मैं लूंगा या देखिए इंडिया का मैप है उसमें राजस्थान वाले पोर्शन को यहां मैग्निफाई किया गया है उसमें भी एक छोटे से पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं यहां पर थार डेजर्ट है बेसिकली थार डेजर्ट का नाम आपने सुना होगा शायद ठीक है ये डेजर्ट एरिया है आप देख सकते हो फोटोग्राफ भी उसका ठीक है तो आपको तो पता ही स्टूडेंट्स की राजस्थान में जनरली हॉट क्लाइमेट होता है ठीक है तो स्टूडेंट्स ज्यादा कर दिनों में अगर हम देखेंगे तो इस एरिया में इस टाइप की फोटोग्राफ हमें मिलती है या इस टाइप की फोटोग्राफ मिलती है ठीक है सपोज करो कि ऑल राउंड हम डिफरेंट डिफरेंट डेज में इस रीजन का फोटोग्राफ लेते हैं तो लेकिन कभी कभी साल में दो दिन चार दिन कुछ टाइम कभी कभी इस टाइप की फोटोग्राफ भी आपको मिल सकती है मतलब कोल्ड सिचुएशन भी हो सकती है और कभी कभी ऐसी क्लाउडी और रेनी सिचुएशन भी आपको दिख सकती है लेकिन ये साल में दो दिन चार दिन ऐसा ही कभी कभार होता है ठीक है तो अब स्टूडेंट्स देखो वेदर क्या होता है व्हाट इज वेदर व्हाट इज वेदर वेदर का मतलब होता है स्टूडेंट्स की किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या सिचुएशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या सिचुएशन है मतलब आज कोल्ड वेदर है हम ऐसा बोलेंगे कि आज जब ये वाली फोटोग्राफ है तो हम बोलेंगे ये थार डेजर्ट में कोल्ड वेदर है उसका वेदर आज कैसा है कोल्ड है जिस दिन ऐसी फोटोग्राफ दिख रही है उस दिन हम क्या बोलेंगे कि वेदर जो है वो रेनी है या क्लाउडी है ठीक है जिस दिन इस टाइप की फोटोग्राफ दिखेगी हम बोलेंगे वेदर कैसा है हॉट 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 है 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 मतलब जिस दिन जैसी सिचुएशन होगी उसी को हम वेदर बोलेंगे जिस दिन इस टाइप की फोटोग्राफ दिख रही है हम बोलेंगे कोल्ड वेदर है जिस दिन इस टाइप की फोटोग्राफ दिख रही है हम बोलेंगे क्लाउडी वेदर है जिस दिन इस टाइप की फोटोग्राफ दिख रही है हम बोलेंगे हॉट वेदर है ठीक है लेकिन क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स क्लाइमेट क्या होता है क्लाइमेट होता है कि जनरली उस जगह पे कैसा सिचुएशन रहता है जनरली उस जगह पे कैसा सिचुएशन रहता है जैसे इस एरिया में हम बोलेंगे कि क्लाइमेट इज हॉट क्लाइमेट इज हॉट इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा हम बोलेंगे हॉट जबकि कभी कभी वहां पे वेदर कोल्ड भी होता है और क्लाउडी भी होता है लेकिन जनरली तो हॉट ही रहता है ना जनरली तो हॉट ही रहता है तो बोलेंगे क्लाइमेट इज हॉट ठीक है तो स्टूडेंट्स वेदर जो होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मेजर किया जाता है जैसे आज का वेदर कैसा है आज का वेदर कैसा है क्लाइमेट जो होता है वो एक एवरेज सीन होता है ठीक है जैसे जिस दिन इस टाइप की फोटोग्राफ दिख रही है उस टाइम हम वेदर क्या बोलेंगे वेदर 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 इज हॉट वेदर इज हॉट और क्लाइमेट भी क्या बोलेंगे हॉट लेकिन जिस दिन इस टाइप का फोटोग्राफ दिख रहा है तो हम बोलेंगे वेदर इज कोल्ड वेदर इज कोल्ड लेकिन क्लाइमेट पूछा जाए तो वो अभी भी हॉट ही बोलेंगे थर्ड डेजर्ट का क्योंकि जनरली तो कोल्ड नहीं रहता है ना जनरली हॉट ही रहता है वैसे इस दिन इस दिन हम वेदर क्या बोलेंगे क्लाउडी लेकिन क्लाइमेट अभी भी क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हॉट ठीक है क्योंकि जनरली तो हॉट ही रहता है ना सिचुएशन ठीक तो देखो स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्लाइमेट इज नॉट द सेम एज वेदर ठीक है वेदर इज अ जोग्राफिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर रेनफॉल विंड एक्सेट्रा एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड समझ में आ गई आपको बात की वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया को स्टडी करना शुरू करेंगे पहले उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी छोटी छोटी चीजें देखेंगे इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तो स्टूडेंट आप सोच रहे ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है तो धीरे धीरे हम बहुत डिटेल में समझ जाएंगे क्या होता है

इन मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विंड्स प्ले अ मेजर रोल ठीक है विंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जैसे कि हम आगे स्टडी करेंगे द वर्ड मॉनसून इज डेराइड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड विच मीन्स सीजन राइट इन इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन अभी कोई स्टूडेंट्स क्या है कि इंडिया बहुत ही बड़ा देश है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में आपको देता हूं आपको तो समझ में आएगा जैसे स्टूडेंट्स अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो देश में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे टेम्परेचर अलग अलग तरीके से वेरी करता है जैसे स्टूडेंट्स अगर हम समर में देखें समर में तो राजस्थान का टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और जम्मू एंड कश्मीर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड देखो तो समर के सीजन में आप देखो कितना वेरिएशन है टेम्परेचर का दोनों जगह पे है ना वैसे हम विंटर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में माइनस फोर्टी फाइव जम्मू एंड कश्मीर में माइनस फोर्टी फाइव मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड है और केरला में ट्वेंटी केरला में ट्वेंटी सो वंस अगेन आप देख सकते हो विंटर में भी दोनों जगह पे कितना वेरिएशन है टेम्परेचर का तो इंडिया बहुत ही बड़ा देश है हर जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत वेरी करती है जैसे रेनफॉल का भी एग्जाम्पल दू तो आपको समझ में आएगा जम्मू एंड कश्मीर में हैवी स्नोफॉल होता है आप तो देखो ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत हेवी स्नोफॉल हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल होता है मतलब वहां पर भी स्नोफॉल होता है लेकिन कम होता है उतना हैवी नहीं होता है इस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैवी रेनफॉल ये है स्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यहां पर बहुत हेवी रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे हैवी रेनफॉल होता है ये जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्कास रेनफॉल देखो यह है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यहां पर बहुत कम बारिश होती है बहुत कम बारिश होती है So, आप देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन है कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और कहीं पे रेनफॉल कम हो रहा है ठीक है तो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत वेरी करती है फिर देखें कोस्टल एरियाज अभी कोस्टल एरियाज किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कोस्टल एरिया ये वाले एरियाज है जो ब्लैक में मार्क किए गए इंडिया के मैप पे कोस्टल एरिया वो एरियाज होते हैं जो सी के क्लोज होते हैं ठीक है थीक? कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस वेरिएशन इन टेम्परेचर कंडीशन दिस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सी तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं यहां पर टेम्परेचर उतना वेरी नहीं करता है मतलब जनरली आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि समर के सीजन में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाना चाहिए और विंटर के सीजन में लो टेम्परेचर हो जाना चाहिए बहुत ठीक है तो ये जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है मतलब ऐसा नहीं होता है कि समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया और विंटर में बहुत कम हो गया ऐसा नहीं होता है तो वही बोला गया कि कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कंडीशन वहां पर समर और विंटर में टेम्परेचर उतना वेरी नहीं करता है दिस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सी ये इसलिए होता है क्योंकि वो सी के क्लोज है ठीक है द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया हैज मोर ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ लार्ज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अराउंड दर लेकिन स्टूडेंट्स ये जो अंदर का इलाका है इंटेरियर पार्ट वहां पर टेम्परेचर बहुत वेरी करता है समर और विंटर में बहुत वेरी करता है ठीक है और इस टाइप ऑफ क्लाइमेट को कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट तो आपको समझ में आ गया सी के पास वाले रीजन में समर विंटर में टेम्परेचर का वेरिएशन कम होता है और अंदर वाले इंटेरियर पार्ट में ज्यादा होता है ठीक है These वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन affect लाइफ ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन तो students हमने देखा ब्रीफली कि कैसे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है अलग अलग होती है तो होता है क्या है कि क्लाइमेट का हमारे लाइफ पे बहुत इफेक्ट होता है हम किस तरीके से रहते हैं हम कैसे कपड़े पहनते हैं हम कैसे घरों में रहते हैं इन सब पे बहुत इफेक्ट होता है इसलिए इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आप जाओगे तो आप पाओगे कि लोगों की जो क्लोथिंग स्टाइल होती है वो अलग अलग होती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो टाइप ऑफ हाउसेज लोग बनाते हैं वो भी अलग अलग होती है ठीक है तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी होने करने का हमारे लाइफ पे बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ओके okay, अब हम थोड़ा रिग्रस स्टडी करना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट तो किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो किन किन चीजों से इफेक्ट होता है दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू सी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ये सब आपको याद होने चाहिए प्रेशर एंड विंड डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर तो ये सारी चीजें क्या है और कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं वो हम एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात किसी करेंगे लैटिट्यूड की तो लैटिट्यूड तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है फिर भी थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं आपको जैसे ये ग्लोब है अर्थ है हमारी ठीक है तो उसमें सेंटर से ये जो लाइन क्रॉस करती है सेंटर से ये जो लाइन क्रॉस करती है इसको बोलते हैं जीरो डिग्री लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं जीरो डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है फिर उसके ऊपर ये दूसरी लाइन इस तरह से हम बनाते हैं फिर उसके ऊपर और दूसरी लाइन बनाते हैं फिर इस तरह से ऊपर लाइन बनाते जाते हैं वैसे नीचे भी हम बनाते हैं ठीक है

साउथ जो लैटिट्यूड होती है दिस कॉल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ठीक है तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स ठीक तो लैटिट्यूड क्या आप समझ चुके हैं तो देखिए लैटीट्यूड कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है ड्यू टू डायरेक्ट सन रेज ड्यू टू डायरेक्ट सन रेज ऑन द इक्वेटर क्लाइमेट इज वार्मर नियर द इक्वेटर स्ट्रेंट से बहुत सिंपल सी बात है आपको पता है कि इक्वेटर पे जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट पड़ती है ठीक है ये सन की रेज जो है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं जैसे मान लो ये अर्थ है हमारा ठीक है और इधर दूर पे सन है तो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे इक्वेटर वाले रीजन पे सॉरी ठीक है तो क्योंकि यहां पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती है इसलिए यहां पे हॉट क्लाइमेट होता है हॉट क्लाइमेट होता है लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो सन की रेज देखो डायरेक्ट नहीं पड़ पाती है, ब्लिकली पड़ती है। ठीक है तो यहां पर क्लाइमेट उतना हॉट नहीं हो पाता है ठीक है तो वही लिखा गया ड्यू टू डायरेक्ट सन रेज ऑन द इक्वेटर क्लाइमेट इज वार्मर नियर द इक्वेटर एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं द क्लाइमेट बिकम्स लेस वॉर्म क्लाइमेट बिकम्स लेस वार्म ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड जो होता है वो क्लाइमेट को बहुत इफेक्ट करता है एल्टीट्यूड क्या होता है यह सब हम अच्छे से जानते हैं एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेसिकली हाइट राइट तो स्टूडेंट जब किसी माउंटेन पर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एल्टीट्यूड क्या होता है बढ़ने लगता है हाइट जो है वो बढ़ने लगती है राइट तो स्टूडेंट्स अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो रीजन है वो माउंटेन्स वाला रीजन होता है इसलिए यहां पर कैसा एल्टीट्यूड होता है और ये सारे जो रीजन्स होते हैं, होता है, तो, के साथ, कैसे करता है? ये तो आप अच्छे से जानते हैं जब स्टूडेंट्स छुट्टियों में आप हिल स्टेशन जाते हो तो आप माउंटेन के ऊपर जाते हो ना हिल स्टेशन जाते हो तो माउंटेन्स के ऊपर जाते हो तो वहां पे ठंडा वेदर होता है कोल्ड वेदर होता है होता है ना तो स्टूडेंट्स द हाइयर वी गो माउंटेन्स पे हम जितना ऊपर जाएंगे कोल्डर इज द क्लाइमेट क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होता है देर फॉर ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन टेम्परेचर इज लो ठीक है स्टूडेंट्स तो दिस इज हाउ एल्टीट्यूड इफेक्ट क्लाइमेट तो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्रेशर एंड विंड इस पर क्लाइमेट बहुत डिपेंड करता है इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी कई बार लोग होती है लेकिन आप गारंटी समझ जाओगे मेरी गारंटी है तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं व्हाट इज दिस प्रेशर देन विल सी व्हाट इज दिस विंड प्रेशर क्या होता है अब जैसे देखो स्टूडेंट्स की सपोज करो ये लैंड है ठीक है या कोई भी जगह है, ओशन भी हो सकता है कुछ भी है इसके ऊपर हवा होती है एयर ठीक है एयर होती है एयर एयर अब सपोज करो इस लैंड के बगल में ओशन है ओशन ठीक है इसके ऊपर भी एयर होती है इसमें भी कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर भी एयर होगी ठीक है अब जैसे आप सोचो कि समर का सीजन है समर का सीजन समर के सीजन में बहुत गर्मी होती है सनरेज बहुत ब्राइट होती है ठीक है। तो ये जो एयर है वो बहुत गर्म हो जाएगा हीटेड हो जाएगा हीटेड हो जाएगा बहुत हीटेड हो जाएगा लेकिन संभाव ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो ज्यादा हीटेड हो जाती है ठीक है हॉटर लैंड के ऊपर की जो एयर है वो हॉटर हो जाती है और ओशन के ऊपर की जो एयर है वो उतनी हॉट नहीं होती है तो कोल्ड कूलर ठीक है गर्म दोनों ही हो रहे हैं गर्म दोनों ही हो रहे हैं लेकिन लैंड जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है समर में तो उसके ऊपर की हवा भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ओशन जो है वो उतना गर्म नहीं होता है तो उसके ऊपर की हवा भी ज्यादा गर्म नहीं होती है अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हवा बहुत गर्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ राइज करती है ठीक है तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम लिख लेंगे हॉट एयर राइजेज अप ठीक है तो ये लैंड के ऊपर की जो एयर है वो बहुत गर्म हो गई है तो ऊपर की तरफ राइज करती है जबकि ये जो ओशन के ऊपर की एयर है वो उतनी गर्म नहीं हुई है तो वो राइज नहीं कर रही है तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या होगा यहां जब एयर ऊपर राइज करने लगेगी तो इस जगह पे इस जगह पे एयर की कमी हो जाएगी एयर की कमी हो जाएगी क्योंकि वो एयर तो ऊपर जा रही है तो यहां जब एयर की कमी हो जाएगी तो हम बोलेंगे यहां पे लो प्रेशर हो गया है यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट्स लो प्रेशर लो प्रेशर तो हॉट एयर राइजेज अप दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इससे एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर तो हवा ऊपर रेज हुई नहीं है तो यहां पर एयर एज इट इज है तो यहां पर हम बोलेंगे कि हाई प्रेशर है हाई प्रेशर है ठीक है तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि जो कोल्ड एयर होती है कोल्ड एयर डज नॉट राइज अप वो ऊपर की तरफ राइज नहीं करती है दिस क्रिएट्स दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है समर में लैंड का जो रीजन है वो ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर की एयर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है वो ऊपर राइज कर जाती है गर्म हो गए तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जबकि ओशन के ऊपर उतना गर्म नहीं होती है हवा समर में तो वो एयर वहीं रहती है तो उसको बोलते हैं हाई प्रेशर क्रिएट हो गया ठीक है तो आप प्रेशर समझ गए अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है मतलब यहां लैंड पे लो प्रेशर और ओशन पे हाई प्रेशर तो अगल बगल में प्रेशर डिफरेंस हो गया इसके कारण हवा चल लगती है विंड ब्लो करती है तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे विंड ब्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण विंड ब्लो करने लगती है ठीक है तो स्टूडेंट्स कैसे विंड ब्लॉ करेगी आप सोच पा रहे हो इधर की तरफ विंड ब्लो करेगी या इधर की तरफ क्या लगता है आपको कैसे विंड ब्लो करेगी देखो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है सोचना यहां से हवा ऊपर की तरफ चली गई है सॉर्ट ऑफ ऊपर की तरफ चली गई है तो यहां पर थोड़ी खाली जगह से हो गई है खाली जगह से हो गई है। तो क्या होगा यहां पर जो विंड है वो उसको भरने के लिए इधर की तरफ फ्लो करेगी ठीक है तो विंड इधर की तरफ ब्लो करेगी ठीक है तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स पहले बार आप भूल भी जाएं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखना है कि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का ब्लो होने फ्लो लग, होने लगता है ठीक तो स्टूडेंट्स प्रेशर और विंड की कहानी थोड़ी आपको समझ में आई होगी अब ये जो विंड ब्लो करती है ना उससे क्लाइमेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है बहुत ज्यादा इनफैक्ट इंडिया के क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये विंड है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इनफैक्ट थोड़ा सा मैं इसको और डिस्क्राइब कर सकता हूं ये तो मैंने आपको समर की कहानी बताई है विंटर में भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं क्या होता है कि विंटर में डाउन जो मैंने बताया उसका उल्टा होता है ये हमारी लैंड है और ये जो है वो ओशन है विंटर में जनरली चीजें ठंडी हो जाती हैं कोल्ड हो जाती है कोल्ड हो जाती है ठीक है थेके? तो लैंड जो है वो ज्यादा कोल्ड होता है वेरी कोल्ड कहा ले स्पेस नहीं हो ऊपर लिख देता हूं लेकिन ओशन उतना ठंडा भी नहीं होता है तो स्लाइटली हॉट रहता है स्लाइटली हॉट रहता है प्लीज नोट विंटर में सब चीज ठंडी हो जाती है लेकिन जैसे लैंड जो है वो गर्म ज्यादा हो रही थी समर में प्लीज नोट लैंड जो है वो ज्यादा गर्म हो रही थी समर में ज्यादा गर्म हो रही थी लैंड जो है समर में ज्यादा गर्म हो रही थी वैसे विंटर में वो ज्यादा कोल्ड भी हो जाती है विंटर में ज्यादा कोल्ड हो जाती है विंटर में ज्यादा कोल्ड हो जाती है तो लैंड जन में ओशन थोड़ा हॉट रहेगा ओशन थोड़ा हॉट रहेगा ठीक है अब समझ समझ मेरी बात तो आप समझ रहे क्या होगा ये ज्यादा हॉट है तो यहां की एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी ठीक है जबकि यहां की एयर ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी ठीक है तो प्रेशर कहां पे हाई होगा कहां पे लोग आप बताएं यहां पे कैसा प्रेशर होगा स्टूडेंट्स लो प्रेशर क्योंकि हवा ऊपर चिल गई यहां पे कैसा प्रेशर होगा स्टूडेंट्स हाई प्रेशर हाई प्रेशर ठीक है अब स्टूडेंट्स विंड कैसे ब्लो करेगी ये बताएं तो हमने देखा था स्टूडेंट्स विंड जो है हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है देखो यहां पे भी हाई से लो तो अब हाई से लो इस तरह से विंड मूव करने लगी ठीक तो इस तरीके से आप देखो क्या होता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण विंड का फ्लो होता है जो क्लाइमेट को बहुत इफेक्ट करता है स्टूडेंट जो हम आगे और डिटेल में भी देखेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स अब ये जो विंड और प्रेशर है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड रेनफॉल मतलब जो बारिश होती है रेन होती है उसमें इन्वेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है जैसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं कि सपोज करो ये लैंड है और यहां पे ये ओशन है ठीक है तो देखो लैंड के ऊपर भी एयर होती है और ओशन के ऊपर भी एयर होती है एयर तो हर जगह लेकिन क्या होता है ओशन के ऊपर जो एयर होती है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर या वॉटर मिक्सड होता है बेसिकली बहुत सारा मॉइस्चर होता है आप समझते हैं दैट इज वाटर वाटर वेपर वेपर उसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है है ओशन के ऊपर जो एयर होती उसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर मिक्स होता है क्यों होता है ऐसा वो तो बहुत सिंपल है ना यार क्योंकि ओशन में इतना वाटर है कि वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके एयर से मिक्स हो जाता है लेकिन लैंड के ऊपर जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर नहीं होता है उसमें वाटर वेपर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ड्राई एयर उसमें कोई वाटर वेपर या बहुत कम वाटर वेपर होता है स्टूडेंट्स तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि एयर एबव ओशन इज रिच इन मॉइस्चर इज रिच इन मॉइस्चर मतलब उसमें बहुत मॉइस्चर होता है बट एयर एबव लैंड इज ड्राई इज जनरली ड्राई ठीक है स्टूडेंट्स अब देखो क्या होता है इस केस में आप देखो इस केस में जो विंड है वो ओशन से लैंड की तरफ जा रही है ओशन से लैंड की तरफ जा रही है तो ये जो विंड है स्टूडेंट इसमें मॉइस्चर होगा या नहीं होगा बताएं इससे मॉइस्चर होगा या नहीं होगा ये तो यहां से गई है ना यहां वाली हवा इधर जा रही है ओशन वाली हवा तो इसमें तो ऑब्वियसली मॉइस्चर होगा ठीक है ठीक ये जो विंड ब्लो कर रही है यहां पर क्या इसमें मॉइस्चर होगा आप सोचे ये लैंड के ऊपर वाली विंड इधर जा रही है लैंड के ऊपर वाली तो इसमें तो मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो ये ड्राई होगी तो स्टूडेंट देखो अब क्या होता है कि ये जो विंड लैंड के ऊपर आ रही है जिसमें मॉइस्चर है बहुत सारा तो वॉटर के ऊपर रेन क्रिएट कर सकती है रेनफॉल कॉज कर सकती है है ठीक क्योंकि इस हवा में बहुत सारा वाटर वेपर मिक्स्ड है तो वो लैंड पे रेनफॉल क्रिएट कर सकती है लेकिन क्या ये विंड रेनफॉल क्रिएट कर सकती है नहीं स्टूडेंट इस क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है मॉइस्चर नहीं है ठीक तो है तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं Know, सकते हैं विंड रिच इन मोइस्चर कैन कॉज हेवी रेनफॉल्स कैन कॉज हेवी रेनफॉल्स ठीक है ये जो विंड ओशन से लैंड की तरफ जा रही है उसमें बहुत मॉइस्चर है वाटर वेपर है तो वो लैंड पे आके रेनफॉल क्रिएट कर सकती है तो वहां का क्लाइमेट को इफेक्ट करेगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विंड रिच

और समर्स में बहुत हॉट होगा ठीक है लेकिन ये जो कोस्टल एरियाज हैं जो कि सी से पास में होते हैं जिनका सी से डिस्टेंस बहुत कम है उसमें लेस वेरिएशन होता है क्लाइमेट में लेस वेरिएशन ठीक है मतलब समर और विंटर में टेम्परेचर उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है और वैसा क्यों होता है क्योंकि सी से वहां पर सी और लैंड के बीच में जो विंड ब्लो कर रही होती है उसके कारण ऐसा होता है एक्चुअली उसके कारण वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर पाता है देखो वही यहां पे लिखा हुआ है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंडस इन कोस्टल एरियाज लैंड टू सी एंड सी टू लैंड क्लाइमेट रिमेन्स मोर इक्वेबल और मॉडरेट देन इंटीरियर पार्ट वही बोला जा रहा है कि ये जो विंड ब्लो करती है कोस्टल एरियाज में उसे कारण क्लाइमेट ज्यादा वेरी नहीं करता है वहां पे ठीक है ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओशन करेंट्स ओशन करेंट्स तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि ये ओशन करेंट्स होते क्या है फिर हम समझेंगे ये क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीज होता है जैसे आप देखो ये वर्ल्ड का मैप है ठीक है तो जो ओशन वाला रीजन है उस पर आप फोकस करें तो ओशन में जो वॉटर होता है वो भी फ्लो कर रहा होता है जैसे रिवर में वाटर फ्लो कर रहा होता है वैसे ओशन में भी वाटर फ्लो कर रहा होता है जैसे आप देखो ये जो एरो है ये दिखा रही है कि इस रीजन में वाटर का फ्लो इस लाइन के के लॉन्ग होता है इस लाइन के लॉन्ग होता है ठीक है फिर बताया जा रहा है देखो जैसे यहां पे इस एरो के लॉन्ग इस रीजन में वाटर फ्लो करता है ओशन में ठीक है तो कहीं का भी आप देख लो जैसे इस रीजन में हम देखें तो यहां पर ओशन में वाटर इस तरह से फ्लो करता है यहां पर इस तरह से फ्लो करता है यहां पर इस तरह से फ्लो करता है तो ये जो फ्लो होता है ओशन में वॉटर का हर जगह पर होता है आप देखो उसको ओशन करेंट्स बोलते हैं उसको ओशन करेंट्स बोलते हैं ठीक है आप समझ रहे हो मेरी बात को ठीक है फिर आप ये भी सोच रहे हो कुछ एरो जो है वो रेड क्यों है और कुछ ब्लैक क्यों है वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ठीक है तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये देख लेते हैं कि वॉटर इन ओशन फ्लोज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न जो यहां पर आपको मैप पे दिख रहा है दीज डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशन वॉटर इज कॉल्ड ओशन करेंट्स तो इसी को ओशन करेंट्स बोलते हैं ठीक है देर आर वार्म ओशन करेंट्स एंड कोल्ड ओशन करेंट्स तो प्लीज नोट स्टूडेंट्स ओशन करेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक वॉर मोशन करेंट्स और एक कोल्ड ओशन करेंट्स वार्म मोशन करेंट्स एंड कोल्ड ओशन करेंट्स इसका क्या मतलब होता है जैसे आप देखो स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक में एरोज आपको दिख रहे हैं वो कोल्ड है ब्लैक में जो आपको एरोज दिख रहे हैं वो कोल्ड ओशन करंट है और रेड में जो एरो दिख रहे हैं वो हॉट ओशन करंट है कहने का मतलब है कि यहां पर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो वाटर बहुत कोल्ड है सिंपल सी बात है यहां पर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो बहुत कोल्ड है यहां पर रेड एरो के लॉन्ग जो वाटर फ्लो कर रहा है वो बहुत हॉट है वो हॉट है ठीक है वैसे जैसे यहां पर क्या बोल सकते हो आप यहां पर रेड एरो है मतलब यहां पे जो वाटर फ्लो कर रहा है वो कैसा है स्टूडेंट्स हॉट यहां पर ये यह जो एरो है वो कैसा है स्टूडेंट्स ब्लैक है तो यहां पे जो वाटर फ्लो कर रहा है वो कैसा है कोल्ड तो यहां पे कोल्ड ओशन करंट है ठीक है तो दो टाइप के ऐसे ओशन करेंट होते हैं अब कैसे ओशन करेंट्स क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं बहुत ही सिंपल सी बात है land, देखो, बहुत सी बात है स्टूडेंट्स जैसे आप देखो ये जो है कोल्ड करंट है कोल्ड ओशन करंट है ये ठीक है तो जब ये कोल्ड ओशन करंट इस लैंड के पास होगा लैंड के पास होगा तो वहां का टेम्परेचर कम कर देगा सही वहां का टेम्परेचर कम कर देगा ये हॉट ओशन करंट है रेड में हॉट ओशन करंट तो वो जब इस लैंड के कांटेक्ट में आ रहा है तो यहां का टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाएगा हॉट हो जाएगा हॉट हो जाएगा जैसे यहां पे ये हॉट ओशन करंट है तो यहां का टेम्परेचर हॉट हो जाएगा यहां पे कोल्ड ओशन करंट है यहां का टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा तो इस तरह से ओशन करंट्स भी टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं किसी भी रीजन के नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है जो हम देखेंगे जिसपे क्लाइमेट डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड रिलीफ फीचर तो स्टूडेंट्स आप सोचेंगे रिलीफ फीचर होता क्या है तो स्टूडेंट्स आप देखो कहीं पे बहुत टॉल माउंटेन्स होते हैं कहीं पे फ्लैट प्लेन होती है कहीं पे छोटे माउंटेन्स या प्लेटो होते हैं ठीक तो ये जो फेनोमेना है कि अर्थ सरफेस की हाइट अलग अलग होती है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, इसी को रिलीफ फीचर बोला जाता है इसी को रिलीफ फीचर बोला जाता है तो वेरिएशन इन एलिवेशन ऑफ एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड रिलीफ इज कॉल्ड रिलीफ सरफेस पे जो हाइट का या एलिवेशन का वेरिएशन होता है उसको हम रिलीफ बोलते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे ये रिलीफ फीचर क्लाइमेट को इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स ठीक है तो देखें कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं क्लाइमेट कैन बी इफेक्टेड बाय माउंटेन्स प्लेन्स एंड प्लेटू ठीक है द हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फॉर हॉट एंड कोल्ड विंड्स ठीक है हाई माउंटेन्स एज बैरियर फॉर हॉट एंड कोल्ड विंड्स अब जैसे देखो स्टूडेंट्स क्या है कि सपोज करो कोई विंड इस तरह से चल रही है यहां पे ठीक है और विंड आगे जाती इस एरिया में भी पहुंचती और इस एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती ठीक है इस एरिया में जब वो विंड पहुंचती तो इस एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती देखिए आप सपोज करो कि बीच में एक टॉल माउंटेन आ गया अब इस टॉल माउंटेन के आने से क्या होगा स्टूडेंट्स क्या ये जो विंड है वो यहां पर पहुंच पाएगी बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी यहां पर ये विंड नहीं पहुंच पाएगी तो यहां का जो क्लाइमेट अब थोड़ा अलग होगा ना थोड़ा अलग होगा ना यहां पे क्लाइमेट क्योंकि विंड नहीं पहुंच पा रही है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि माउंटेन्स के कारण विंड का जो पाथ होता है वो इफेक्टेड हो जाता है जिसके कारण क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है पाथ ऑफ रेन बियरिंग देखो क्या कहानी है सपोज करो ये विंड आ रही है ठीक है और ये जो विंड है इसके, इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है इस विंड में बहुत सारा मॉइस्चर है मॉइस्चर है तो मतलब ये रेन बियरिंग विंड्स कहलाएगी रेन बियरिंग विंड्स क्योंकि ये रेनफॉल क्रिएट कर सकती है रेनफॉल क्रिएट कर सकती है ठीक है अब सपोज करो इसके रास्ते में हैवी माउंटेन आ जाता है कोई बड़ा सा माउंटेन आ जाता है अब क्या होगा ये जो विंड है इससे टकराएगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देखें विंड जो है इस इसे टकराती है और टकराने के बाद ऊपर चली जाती है आगे तो जा नहीं पाएगी तो ऊपर चली जाती है थोड़ी ठीक तो जब विंड माउंटेन से टकराती है तो वो ऊपर चल जाती है अगर विंड में वो मॉइस्चर था अगर विंड में मॉइस्चर था तो ऊपर जाके ये क्लाउड्स बना लेगी क्लाउड्स, क्लाउड्स ठीक है और फिर क्लाउड्स बनाए लेगी तो क्या होगा रेनफॉल होगी रेनफॉल ठीक है तो आप देख सकते हो कि माउंटेन्स का कितना बड़ा इफेक्ट हुआ क्लाइमेट पे, उसके कारण रेनफॉल हुई मॉइस्चर वाली विंड आई वो माउंटेन से टकराई टकरा के ऊपर गई स्काई में ऊपर तो उसने क्लाउड्स बनाए और फिर बारिश हुई ठीक है अच्छा स्टूडेंट्स आप मुझे यह बताएं कि यहां पर माउंटेन के दूसरे साइड दूसरे साइड क्या यहां पर रेनफॉल होगा क्या यहां पर रेनफॉल होगा क्या लगता है आपको नहीं होगा क्योंकि यहां तो विंड पहुंच ही नहीं तो ये जो साइड होगा वो ड्राई रहेगा ड्राई रहेगा इसको बोलते हैं लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन ठीक है लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन या शैडो रीजन भी बोलते हैं इसको शैडो रीजन ऑफ माउंटेन ठीक है जहां पर बारिश नहीं होती है तो माउंटेन की एक साइड काफी बारिश होगी दूसरी साइड नहीं होगी तो आप देख सकते हैं कि रिलीफ का कितना बड़ा इफेक्ट है क्लाइमेट पे। ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है